फुल रिंग है, साइड में पूरे स्टोन लगे ब्यूटीफुल है तो काफी अच्छा कुर्ता सेट लगा और प्राइस कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाली है उनके लिए बैग मैंने मंगवाया है लोगों तो को को गिव अवे में दिया जाए इतने सारे पार्सल होने वाले फुल है ये टॉप बहुत हेलो इवान वेलकम बैक टू आवर चैनल होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे सो ये है आज का कमेंट ऑफ द डे थैंक यू सो सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए और जैसे कि आपको पता है मैं अपनी मोस्टली हर वीडियोस में आप लोगों को गिव अवे दे रही हूँ सो so, इस वीडियो का गिव अवे क्या होने वाला है क्या प्राइस है मैं आपको पहले ही बता ओके गायज सो मैंने आप लोगों को लास्ट ऑक्सीडाइज ज्वेलरी दिखाई थी एक हॉल में ठीक है और उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट पसंद किया गया था वो है ये जिसे हाथ फूल कहते हैं आप लोगों ने मुझे कॉमेंट में ही बताया तो ये कुछ इस तरीके से था और आप लोगों को बहुत पसंद आया इस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट थे ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है जितना आपको कैमरे पे ब्यूटीफुल लग रहा है ना सच में ये बहुत ज्यादा सुंदर है सो आई थॉट क्यों ना आप लोगों को ये पसंद है तो यही आप लोगों को गिव अवे में दिया जाए तो ये मिल रहा है आपको एज अ प्राइस मेरी तरफ से उसके लिए आपको क्या करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग चैनल का लिंक है उसको भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अच्छे अच्छे आप कमेंट्स करते हो करते रहो जितने हो के कमेंट्स करते रहो क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ने में मजा आता है और जिसका कमेंट सबसे अच्छा मुझे लगता है मैं मोस्टली उसी को गिव अवे देने की कोशिश करती हूँ की इतना सोच सोच के इतने प्यारे कॉमेंट्स है तो मैं कैसे जाने दू ठीक है सो so, उसको मिलेगा गिव अवे और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरा इंस्टा हैंडल है जाकर जल्दी से फॉलो कर लो तो वीडियो क्या है आज की आपको पता चल गया होगा रैंडम फाइंड फ्रॉम मीशो विदाउट वेस्टिंग अर टाइम वीडियो को कर लेते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट जो तो मंगवाया है मीशो से वो मैं आपको दिखाती हूँ वो एक टॉप रेड कलर में और पिक्चर आप इसकी देख लो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल था बहुत ज़्यादा सो आई थॉट इसको ऑर्डर किया जाए और मुझे सबसे अच्छा इस टॉप का जो लगा वो लगा नेक लाइन ठीक है इसकी ना एकदम स्क्वायर में नेक लाइन दे रखी थी और पहनने के बाद बहुत ब्यूटीफुल है ये टॉप बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है ठीक है और सबसे अच्छी चीज मुझे जो इसकी लगी इसका जो फैब्रिक है मतलब प्राइस 200 प्राइस के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आई थिंक इसका है है उसके बहुत अच्छा फैब्रिक है, तो बहुत ही सुंदर टॉप है इसमें बहुत सारे अवेलेबल है और मैं आपको इसकी एक और चीज बता पिक्चर में आपको लग रहा होगा कि ये मिड लेंथ तक है लेकिन नहीं ये आपको क्रॉप रिसीव होगा मुझे जो साइज आता है वो एम आता है मीडियम साइज आता है लेकिन मैंने इसमें एक्सल साइज मंगवाया ये सोच के कि थोड़ी सी लेंथ ज्यादा आ जाए लेकिन आप देखो ये एक्सल साइज में भी इसकी लेंथ कितनी आई है तो अगर आपकी हाइट फाइव फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री है तो आपके लिए बहुत अच्छा टॉप है मेरी हाइट फाइव सेवन है तो मुझे थोड़ा सा क्रॉप आ रहा है बाकी हाई वेस्ट जींस के साथ बहुत ब्यूटीफुल लगेगा आपको मेरे ब्लॉग्स में दिख जाएगा इसलिए मैं आउटफिट ज्यादा ट्राई नहीं करती ताकि आप वहां अगर आउटफिट देख लो मेरी ठीक है सो चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट पार्सल में दिखाती हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या ऑर्डर किया था और हमें क्या रिसीव हुआ है तो नेक्स्ट पार्सल भी जो होने वाला है वो भी हमारा गिव अवे का गिफ्ट होने वाला है मैंने अपने चैनल पे गिव अवे अनाउंस कर रखा था और इंस्टा पे भी आप लोगों को पता है जिसमें जो लकी विनर है सेकंड उसको ये प्राइज़ मिलना है तो अभी तक मैंने अनाउंस नहीं किया है विनर बस वन एक से दो दिन में मैं विनर जो है वो अनाउंस करने वाली हूँ ठीक है तो उनके लिए बैग मैंने मंगवाया है क्योंकि मैंने उसमें बता रखा था कि ये बैग आपको गिफ्ट मिलेगा इसके साथ और भी काफी सारी चीजें थी तो ये बैग बहुत ब्यूटीफुल था और बहुत ही लकी होगा जो सेकंड विनर बनेगा क्योंकि बैग देख लो बहुत ब्यूटीफुल है बहुत अच्छी क्वालिटी है पूरा हार्ड शेप में बना हुआ है और मैं सही बताऊं ये ना बहुत टाइम तक स्टॉक आउट था बहुत टाइम तक और मुझे ये था कि मेरी कमिटमेंट है कि मैं ये बैग दूंगी तो मैं दूंगी लेकिन क्या था इसमें और कलर्स अवेलेबल थे ब्लू था ऑफ वाइट था येलो था और सारे कलर्स थे लेकिन रेड कलर नहीं था मुझे लगता है वैलेंटाइन डे की वजह से नहीं होगा लेकिन फाइनली ये बैग मुझे मिला और वेलेंटाइन्स वाले दिन ही ये मुझे डिलीवर हुआ तो जल्दी से मैं विनर का नाम अनाउंस कर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तो ये बैग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैं आपको स्पेस दिखा देती हूँ तो अगर आपको भी अच्छा लग रहा है आप जाके परचेस कर लेना लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा स्पेशियस है आप खुद देख लो कितना ज़्यादा स्पेस है मेकअप से लेके फ़ोन से लेके वॉलेट से लेके ईच एंड एवरीथिंग आपकी इसमें आ जाएगी साथ में आपको ये स्लिंग बेल्ट दे रखी है आप चाहो तो उसको एज अ क्रॉस में भी या लॉन्ग में भी इसको टांग सकते हो और मुझे ना इसकी ये जो है ना ये स्ट्रैप ये मुझे बहुत अच्छी लगती है बहुत अच्छी क्वालिटी की है सो एम सो एक्साइटेड कि सेकेंड लकी विनर कौन है ठीक है तो so अगर चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट पार्सल पे पर दिखाते हो कि नेक्स्ट मैंने और क्या मंगवाया था और हमें क्या क्या रिसीव हुआ है नेक्स्ट मैंने ये ऑर्डर की थी आप पिक्चर देख लो और काफी ज्यादा वायरल प्रोडक्ट है ये मीशो पर प्लस अमेजोन पर भी देखो ओके okay. ठीक है सो so ये ना कुछ क्रोशिया कहते हैं आई थिंक इसको ये ना शेल्फ बनी हुई है यहाँ पे आपको बस इसमें वॉल पे इसको इस तरीके से लगा देना इस तरीके से हैंग कर देना है और लगी हुई मेरे तो पूरी वॉल पे जा रही है पूरी वॉल पे मैच हो रही है ठीक है लगी हुई है बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाली है इसके ऊपर आप कोई भी मैंने आपको मिशो के बहुत सारे मतलब बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लांटर दिखा चुकी हूँ कोई भी प्लांट रख सकते हो कोई भी शो पीस रख सकते हो कुछ भी रख सकते हो और ट्रस्ट में ये जब स्टार्टिंग में आए थे ना मार्केट में इनका प्राइस था फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड लेकिन अभी आई थिंक डेढ़ सौ रुपए या एक सौ सत्तर रुपये का यार मुझे मिला बहुत ही सस्ता मिला है ठीक है बस आपको इसको ऐसे करके इसे हैंग कर देना है और मतलब घर में ना ऐसी चीजें मुझे मुझे जो पर्सनली पसंद है मुझे कलर्स जरूर पसंद है लेकिन अपने रूम में अगर हम डार्क कलर्स ऐसी चटक मटक चीजें रखते हैं ना तो रूम जो है ना वो छोटा लगने लगता है तो अगर आपको अपने घर को अपने रूम को थोड़ा बड़ा दिखाना है ना तो आपको थोड़ी ऐसे कम कलरफुल मतलब थोड़ी बेसिक चीजें रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी ठीक है तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाला है और डेली ब्लॉग्स में आप देख लोगे कि मैंने इसको कहाँ पर हैंग की है बहुत अच्छी चीज है बहुत अच्छी बहुत कम प्राइस में है लेकिन बहुत अच्छी चीज है ओके गाय तो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग चुकी है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आपको कुछ भी नहीं करना बस वीडियो को लाइक कर देना है प्यारा सा कमेंट टाइप जरूर कर देना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ब्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि वहाँ पे हम पर्सनली चैट कर सके क्योंकि मैं वहां पे बहुत बातें करती हूँ ठीक है so, चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट पार्सल पे दिखाती हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या मंगवाया था और हमें क्या रिसीव हुआ है नेक्स्ट होने वाला है हमारे ये नेल एक्सटेंशन और आप लोगों को पता ही है कि मुझे नेल्स कितने ज्यादा पसंद है ठीक है तो हमेशा हम एक्सटेंशन नहीं करवा सकते हैं ये बात सोचा मतलब करवाने भी नहीं चाहिए मैं खुद नेल टेक्नीशियन हूँ मुझे मैंने सीख रखा है कोर्स ऑलरेडी तो मैं आपको खुद बोलूँगी कि हर मंथ जो है वो बाहर से नेल्स नहीं लगवाने चाहिए मैंने काफ़ी गैप दे लगाए हैं अपने ठीक है तो आप क्या कर सकते हो अगर आपको वीडियोस बनानी है फंक्शन में जाना है मैरिज में जाना है, है इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी है अगर आपका मन करता है नेल्स लगाने का और आपको घर का काम भी करना होता है तो आप जो है मीशो से बहुत ही सस्ते में नेल्स मिल जाते हैं ठीक है इस पर देख लो बो बो लगी हुई है ठीक है तो मीशो से बहुत सस्ते में बहुत अच्छी क्वालिटी के नेल्स मिल जाते हैं जिसके साथ में आपको ये फाइलर दिया जाता है और उसके साथ ही साथ आपको ये स्टिकर दिया जाता है जिससे आपको अपने नेल्स जो है वो स्टिक करने है ये नेल के ऊपर स्टिकर लगेगा और उसके ऊपर नेल लग जाता है ठीक है और सबसे जरूरी होता है नेल को अच्छे से बफ करना अगर आपके नेल पे श, मेरा एक्सपीरियंस जो है जो मैंने सीखा है मैं वो बता रही हूं जिनके नेल्स जल्दी निकल जाते हैं उनका रीजन ही यही होता है कि नेल जो आपका नीचे है उसको अच्छे से फाइल नहीं किया हुआ होता नहीं किया गया होता जितना आपका अच्छे से नेल्स फाइल होगा फाइल करने का मतलब नहीं है कि नेल ही खत्म कर दो जितने अच्छे तरीके से आप नेल अपना फाइल करोगे और उसको अच्छे से सिक करोगे तो आपके अच्छे खासे ये वाले नेल भी चल जाते हैं तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट के साथ भी जा सकते हो और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेट रिसीव हुआ है बहुत ज्यादा ठीक है और मैं सोच रही हूँ कि इसको भी मैं आप लोगों को गिव अवे में दूँ आपके कमेंट के बेसिस पर जो लोग मुझे ब्लॉग चैनल पे भी आकर सपोर्ट दिखा रहे हैं तो आप लोग बताना क्या आप चाहते हो कि आप लोग नेल एक्सटेंशन करते हो और आपको पसंद है क्या मुझे गिव अवे में देना चाहिए या नहीं तो so चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट पार्सल पर देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या मंगवाया था क्या और हमने क्या रिसीव हुआ मैंने ये कुर्ता सेट ऑर्डर किया था समर्स बस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ ही चुकी हैं और अभी समर की चीज़ें ना सच बताऊँ मीशो पे बहुत सस्ती है समर आते ही बहुत महंगी हो जाएंगी जो मैंने रेड वाला टॉप दिखाया ना अभी वो बहुत सस्ता है और पहले वो थ्री फिफ्टी का अराउंड था लेकिन अभी उसका रेट बहुत कम है क्योंकि अभी समर आई नहीं है थोड़ी थोड़ी आ चुकी है तो मैंने सोचा चलो ये लेकर देखा जाए और ये ना मीशो पे कुर्ता सेट था ओके okay. और ये कुछ पिंक कलर में है बहुत ब्यूटीफुल इसका प्रिंट था ठीक है जैसा पिक्चर में था एग्जैक्ट वैसा ही रिसीव हुआ है ठीक है और इसका बैग देख लो बैग कुछ ऐसे है और फ्रंट कुछ ऐसे है ठीक है और फुल फुल कुर्ते पे जो है वो प्रिंट हो रखा है और इसके साथ में जो है आपको ये प्लाज़ो दिया जाएगा ठीक है वाइट कलर का प्लाज़ो है इस प्लाज़ो प्लाज़ो जो है मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है मैं नहीं कहूंगी कि एकदम नॉर्मल है थोड़ा ट्रांसपेरेंट है इसके नीचे आपको एटलीस्ट हाई तक तो कुछ पहनना ही पड़ेगा ठीक है तो बहुत रीजनेबल है बहुत ही अच्छा मुझे लगा ये कुर्ता सेट और ना अगर आप ऑफिस जाते हो कॉलेज जाते हो तो गर्मियों में ना ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े जो कि स्किन पे हार्श ना हो और दिखने में भी प्रटी लगे एकदम लाइट कलर है तो काफी अच्छा कुर्ता सेट लगा और प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा आई थिंक दो या दो सौ का है मुझे लगता 200 है दो सौ का एक मतलब एक कपड़ा भी नहीं आता सूट का और ये आपको पूरा स्टिच किया हुआ सूट मिल गया बाकी सब टू यू आप इसको अच्छे अच्छे झूल लिखी से स्टाइल करो वो मैं आपको गिव अवे करती रहती हूँ ठीक है तो बहुत ही अच्छा कुर्ता सेट है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पसंद आए तो जाके ले लेना चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट प्रोडक्ट पे दिखाते हूँ मीशो साड़ी हॉल जब मैंने साड़ी हॉल किया ना मुझे इतना अच्छा लगा ना इंस्टा पे फोटो डाल के इतनी अच्छी अच्छे मुझे कॉमेंट्स आए थे और इतने कम प्राइस में मेरे पास इतनी सारी साड़ी का कलेक्शन हो गया ना कि मैं पता नहीं कब पहनूंगी तो मैंने मंगवा लिया कुछ और साड़ीज और उसके साथ एक ही ब्लाउज मंगवाया है क्योंकि मुझे चाहिए था तो ये पिंक कलर का ब्लाउज है ठीक है स्लीवलेस ब्लाउज़ है और इसके अंदर जो है आपको स्लीव दे रखी है ये yes, स्काइस स्लीव ये देखो आपको इसके अंदर स्लीव भी दे रखी है अगर आप स्लीवलेस पहनने में कंफर्टेबल नहीं हो तो डेफिनेटली आप स्लीव लगवा सकते हो पैडेड ब्लाउज़ है ठीक है आगे से फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आने वाली है और नेक जो है बैक नेक जो है जैसा मुझे पसंद है फ्रंट तो नहीं लेकिन बैक हाँ डीप पसंद है तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है इतना ठीक ठाक डीप दे रखा है और बहुत ही सस्ता ब्लाउज है आई थिंक 130 सौ तीस एक सौ चालीस का ब्लाउज है और मुझे लगता है इतने में फिर से कपड़ा तो आता ही नहीं है इन्होंने पूरा ब्लाउज बना के दे रखा है तो ठीक ठाक मटेरियल है अच्छा मटेरियल है और इसके अंदर लाइनिंग भी लगी हुई है कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट ना हो या कपड़ा जो है ना चुभे ना शाइन वाला कपड़ा है तो काफ़ी सारी साड़ियों के साथ आप इसको पहन सकते हो और इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के साथ आप जा सकते हो सो ठीक है सो यस गाइस चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट प्रोडक्ट पे देख लेते हैं कि और हमने क्या ऑर्डर किया था और हमें क्या रिसीव हुआ है सर नेक्स्ट पार्सल है हमारा इसमें और ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और uh, तो मैंने ना ये मीशो से हुप्स ऑर्डर किए थे और मुझे ना बहुत टाइम से ऐसे कुछ चेन वाले डिज़ाइन में होते हैं ना वैसे चाहिए थे ये देखो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये वाला जो लॉक होता है ना मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है आप मुझे मेरी मोस्टली ज्वेलरी जो देखोगे ना वो मैं इसी लॉक में मंगवाती हूँ ये देखो और जितना ये कैमरे पे शाइन कर रहे हैं ना ट्रस्ट में आग सामने से बहुत ज़्यादा शाइन करने वाली ज्वेलरी है बहुत ज़्यादा बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत रीजनेबल प्राइस में थी और मीशो पे ना मैं कह रही हूँ आप मेरे लिंक के बिना ये ज्वेलरी सर्च कर लो अगर आपको ये मिल गई मैंने इतने टाइम तक ऐसे हुप सर्च करे ना बहुत टाइम तक एट द एंड जाके मैंने ढूंढ ही निकाले ठीक है तो जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना आपको चीज़ें मिलती कहाँ से आप कौन सा कोई अलग मीशो यूज़ करते हो क्या तो हाँ यार मीशो मैं वही यूज़ करती हूँ लेकिन बहुत ढूंढती हूँ मैं ट्रस्ट में मैं बहुत ढूंढती हूँ तब जाकर मुझे ऐसी चीज़ें मिलती हैं ठीक है चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट पार्सल पे दिखाती हूँ कि नेक्स्ट मैंने और क्या मंगवाया था और हमें क्या रिसीव हुआ है इस तो नेक्स्ट जो है वो है इसमें और आपको दिखा दूँ ये मैंने ऑर्डर किया था जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि मुझे अपना रूम का वाइप कुछ वाइट कुछ ऑफ़ वाइट अभी भी आप पीछे देखोगे ना मेरी ये वॉड्रॉप है इस इधर भी वाइट कुछ इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है ये स्टूल भी यहाँ पे और अब मैंने आपको दिखाया था जो मैंने शेल्फ मंगवाई है तो मैंने ये कुछ मंगवाया था ये भी क्रोशिया का है बेसिकली ये आपका कुशन कवर है और पिक्चर में आपको दो दिखेंगे हो सकता है मेरे को पिक्चर में दो दिखे थे लेकिन ये आपको सिंगल ही रिसीव होगा विद वेरी वेरी गुड क्वालिटी के साथ बहुत ही अच्छी क्वालिटी आप पासिस को देख लो और बहुत महंगे मिलते हैं ऐसे कवर 500, 600 का मिलते हैं ये वाले कवर और आजकल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रखी हैं ये वाली चीज़ें इसके बैग्स हो गए क्लच हो गए तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मीशो पर आया था और इसको मंगवा के देखते हैं और जैसा पिक्चर में था वैसा ही रिसीव हुआ है ब्यूटिफुल वेरी ब्यूटिफुल तो so, चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट प्रोडक्ट पे दिखाते हो कि नेक्स्ट मैंने और क्या मंगवाया था और हमें क्या रिसीव हुआ है ठीक है सर नेक्स्ट प्रोडक्ट होने वाला है हमारा इसमें कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और बहुत जल्दी आपको मेरे चैनल पर रिंग्स का कलेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि आपने मुझे लास्ट मैंने रिंग्स का हॉल डाला था और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था सो आई थॉट कि और रिंग्स का कलेक्शन मंगवाया जाए और आपको दिखाया जाए क्योंकि आपको मेरे रिंग्स बहुत पसंद आती हैं यार ठीक है और रिंग्स पहनना तो मुझे बहुत पसंद है और जैसे ही रिंग्स का वीडियो आएगा मैं रिंग्स की वीडियो में भी गिव अवे ज़रूर दूंगी क्योंकि मुझे पता है कि गर्ल्स को रिंग्स कितनी पसंद होती हैं तो डेफिनेटली गिव अवे मेरी तरफ से आएगा ही आएगा ठीक है फ ये वाली रिंग मैंने ऑर्डर की है फिलहाल और आप देख लो इसमें स्टोन लगा हुआ है बहुत ब्यूटिफुल रिंग है बहुत ही ज़्यादा और पहनी हुई बहुत सुंदर लगने वाली है देखो बहुत सुंदर रिंग है यार ये बहुत सुंदर जैसे पिक्चर में थी ना एग्जैक्ट वैसी रिसीव हुई है और मतलब सामने से इतनी ब्यूटीफुल है मुझे लग रहा है कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा मैं आपको दिखाती हूँ देखो, देखो, बहुत ब्यूटीफुल रिंग है साइड में पूरे स्टोन्स लगे हुए हैं और बीच में भी पूरा स्टोन लगा हुआ है और मुझे ना ऐसे रिंग्स बहुत स्लीक रिंग्स मुझे कम पसंद है मुझे ना ऐसी थोड़ी कॉकटेल वाइट्स वाले रिंग्स ज्यादा पसंद है ऐसा मुझे लगता है कि मेरे हैंड्स पे ज्यादा सूट करती है ठीक है तो ये बहुत ब्यूटीफुल रिंग है डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो ओके गाइस okay तो चलते हैं हमारे आज के लास्ट प्रोडक्ट पे बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं कि लास्ट मैंने क्या मंगवाया था और हमें क्या रिसीव हुआ है असल है ये जिसको आप देख लो मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और मैंने इसको अभी तक अनबॉक्सिंग भी नहीं किया था और बहुत ज़्यादा ना जब मैं सर्च कर रही कर रही थी मीशो पे तो इस पर बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज आ रखे थे इसको खोलते हैं वाओ वेरी नाइस nice यार ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल बैग है ठीक है तो बहुत सुंदर बैग है पूरे बैग पे आप देख लो पूरे बैग पे प्रिंट हो रखा है और मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसकी ना ये लगी है कि साइड में ना आपको एक छोटी सी पॉकेट दी जा रही है इसमें जो चाहो आप वो रख सकते हो ठीक है और काफ़ी अच्छा प्रिंट है और मुझे ना सबसे अच्छा जो चीज़ लगा ना वो इसका ये कलर लगा ये टैन कलर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप पैकेजिंग देखो इस ऐप पे पूरा अच्छे से आपको पैक करके दी जा रही है और ये कैसा बैग है आप इसको ऑफिस कॉलेज कहीं भी इजीली लेके जा सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल बैग है इसका वर्क बहुत सुंदर है बहुत फिटी है और अच्छी दिखने में जो चीज़ अच्छी लगती है वो तो डेफ़िनेटली लगती है बट वो हमारे कितने काम की है वो भी चीज़ मैटर करती है अब इसके अंदर जो स्पेस दे रखा है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था पिक्चर में ही क्योंकि मैंने देखा था इसमें ना दो जिपर दे रखे थे देखो इतना आपको ऑलरेडी स्पेस दे रखा है इस साइड भी आपको एक अंपार्टमेंट दे रखा है बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस बैग है ठीक है और इसकी सबसे अच्छी चीज़ आपको एक बैग में भी पॉकेट दे रखी है अपना पर्सनल कैश या कुछ भी रखने के लिए तो बहुत अच्छा बैग है डेफिनेटली मेरी तरफ से टेन ऑन टेन है क्वालिटी की बात कर लूँ क्वालिटी बहुत अच्छी है और ऐसा नहीं कि ये बैग बैग आपको 500, 600, 400, सौ साढ़े तीन में रिसीव हो रहा है नहीं बहुत ज़्यादा कम प्राइस में बैग ये रिसीव हो रहा है आप यहाँ पे प्राइस देखें गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो आई रियली रियली होप की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अच्छे लगने के साथ साथ आपके लिए हेल्पफुल भी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना प्यारा सा कमेंट जरूर टाइप कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहो ताकि मैं गिव अवे में अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आती रहूं और जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है वो जो जो लेना चाहते हैं वो वो अच्छे अच्छे कॉमेंट कर सकते हैं सो so, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वो बाई टेक केयर